दोस्तों पिछले कुछ टाइम में इंटरनेट हमारी जरूरत बन चुका है और बात करें अगर जियो के आने की तो जियो के आने के बाद से हमने इतना ज्यादा इंटरनेट को अपने इस्तेमाल में लिया है कि हमें इंटरनेट की लत सी लग चुकी है और इसके अलावा हमारे बहुत सारे काम इंटरनेट पे पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं जिनके लिए हमें इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब अगर फिलहाल मार्केट की बात करें तो यहां पर कंपनियों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है जहां पर प्राइस हाइक एकदम से ऊपर पहुंच गया है, आपके इंटरनेट पैक जो है काफी ज्यादा महंगे हो गए। तो ऐसे में कई बार सिचुएशन ये होती है कि कुछ लोग इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर पाते महंगे प्लान्स के चलते, या फिर कई बार आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपका इंटरनेट पैक खत्म हो गया या मोबाइल डेटा काम नहीं कर रहा है, तो वहां आपको जरूरत पड़ती है एक वाईफाई की। तो आज इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपने आसपास के एरिया में फ्री वाईफाई ढूंढकर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका जो भी काम है वो बड़े ही आराम से आप निपटा सकते हैं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपसे बताना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी आपको ऐसा कंटेंट मिलते रहने वाला है। तो बिना ज्यादा टाइम गवाए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने पहले तरीके की, कहां पर आपको फ्री वाईफाई मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर पब्लिक प्लेसेस की। आजकल पब्लिक प्लेसेस में भी यूजर्स के लिए काफी ज्यादा फ्री वाईफाई की जो सर्विस है उसको लाया जा रहा है। ऐसे में चाहे आप बात कर लें आपके आसपास किसी रेस्टोरेंट की, या फिर आप बात कर लें आपके आसपास किसी हॉस्पिटल की, या फिर किसी पार्क की, या फिर कोई म्यूजिक आपका म्यूजियम है, या फिर कोई लाइब्रेरी है, तो ऐसी जगहों पर या फिर इसके अलावा भी कुछ जगह होती है जो कि पब्लिक प्लेस होते हैं और आपको फ्री वाईफाई प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जा सकते हैं आपके पास के किसी ऐसे जगह पर जहां आपको फ्री वाईफाई मिल जाए और आप बड़े आराम से उसका इस्तेमाल कर पाएं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सब जगह पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको थोड़ा सा इसके लिए मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा। और आगे आने वाली टिप्स में आपको बताने वाला हूं ढूंढने के और भी तरीके कि आप किस तरीके से अपने आसपास के एरिया में फ्री वाईफाई को ढूंढ सकते हैं। तो यार दूसरा तरीके की अगर बात करें फ्री वाईफाई आप कहां से ले सकते हैं, तो आपको मालूम होगा अगर आपके सिटी में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है या फिर बस स्टैंड है तो ऐसी जगह पर भी आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है। अब देखिए रेल जो एयरपोर्ट है वो तो हर सिटी के अंदर नहीं होता है, लेकिन मैं श्योर हूं आपके सिटी में या फिर उसके आसपास कहीं भी आपको रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड जरूर मिल जाएगा जहां आपको फ्री वाईफाई मिल सकता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अब से पहले गूगल कंपनी की तरफ से हर रेलवे स्टेशन पर जो कि एक मेजर रेलवे स्टेशन है वहां पर फ्री वाईफाई लगाए गए थे, लेकिन अभी आने वाले कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी न्यूज हमें सुनने के लिए मिली थी जहां पर गूगल अपने उन फ्री वाईफाई को हटा रहा है। अब रीजन क्या था? रीजन देखिए ये था कि आपके जो इंटरनेट प्लान्स हैं वो गूगल को लगता है बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, 1.5 GB 2 GB पर यूज़र को डेली का डेटा मिलता है, इसकी वजह से गूगल को लगा कि हमारे जो वाईफाई हैं वो यूज़लेस हो गए, लोग उनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो गूगल ने उनको हटाने का फैसला किया। लेकिन इसके बाद गूगल की एक और नई अपडेट आई कुछ दिनों के बाद में जहां पर पता चला कि गूगल कुछ कुछ जगह से इन वाईफाई को हटाएगा लेकिन जो आपके मेजर प्लेसेस हैं जहां पर यूज़ होता है, तकरीबन पूरे भारत में लगभग 450 रेलवे स्टेशन ऐसे रहेंगे जहां पर गूगल अपने इन वाईफाई को लगा रहने देगा, से हटाएगा नहीं। तो आप अपने रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन पर जाकर भी फ्री वाईफाई का आनंद ले सकते हैं। तो अभी यार बात कर लेते हैं तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा तरीका क्या है? अब आप इन पब्लिक प्लेसेस पे चले गए लेकिन आपको पता कैसे चलेगा यहां पर वाईफाई कहां अवेलेबल है, क्या पासवर्ड है? तो इन सब चीजों के लिए आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है इंस्टाब्रिज। तो इंस्टाब्रिज एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। यहां पर आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई जाती है आपके आसपास में जो भी वाईफाई अवेलेबल होते हैं, इसके साथ ही आपको जो पासवर्ड यूज ने पहले यूज किए हैं और जो सेव किए हैं वो पासवर्ड्स भी आपको इस एप्लीकेशन के अंदर दिख जाते हैं। साथ ही आपको यहां पर एक मैप भी दिखता है, मैप में आपकी लोकेशन होगी, इसके अलावा वाईफाई की लोकेशन भी दिखाएगा कि आपसे कितनी दूरी पर आपके एरिया में कोई वाईफाई अवेलेबल है, कब कब वो काम करता है। तो ऐसी जानकारी आपको इंस्टाब्रिज नाम की एप्लीकेशन प्रोवाइड करा देगी, आप प्ले स्टोर से इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब यार अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेसबुक एप्लीकेशन का भी फ्री वाईफाई ढूंढने के लिए। आपको सिंपली जाना अपने फेसबुक एप्लीकेशन में, इसके बाद में आपका जो मेन्यू वाला ऑप्शन आता है राइट साइड में, आप वहां से जाकर के नीचे मोर ऑप्शंस में देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा फ्री वाईफाई करके ऐसा कुछ ऑप्शन होता है। तो आप वहां जाएंगे, वहां से आपको वाईफाई की लिस्ट आपके एरिया में जो भी वाईफाई होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा मैप वाला ऑप्शन भी इसके अंदर आता है कि किस लोकेशन में आप रहते हैं और उस लोकेशन पे कहां कहां फ्री वाईफाई आपको मिल सकता है, वो सारी डिटेल्स आपको फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन यहां पर आती है जिसका नाम है वी फाई। तो वी फाई एप्लीकेशन भी पहले एप्लीकेशन की
की तरह ही काम करती है, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल फीचर ये है जो आपके एरिया का सबसे पास और सबसे अच्छा वाईफाई होता है ये उसके साथ में आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है। तो आप इस एप्लीकेशन को सिंपली आपके फोन में डाउनलोड कीजिए, आपको सारे वाईफाई की लिस्ट वहां पर दिख जाएगी, जो भी सबसे अच्छा नेटवर्क होगा, सबसे काबिल नेटवर्क होगा, उस पर आपको ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा और आप ऐसे में बड़े ही आराम से अपना वाईफाई इस्तेमाल वहां पर कर पाएंगे। और ये लास्ट में आपको बताना चाहूंगा गूगल असिस्टेंट के बारे में। अगर आप एक अच्छे एरिया में रहते हैं, एनसीआर की तरफ आप रहते हैं या फिर किसी मेजर सिटी में रहते हैं जहां काफी ज्यादा वाईफाई लगे हुए हो, पब्लिक हॉटस्पॉट्स लगे हुए हो, तो आप वहां पर सिंपली अपना गूगल असिस्टेंट ओपन कीजिए और उससे आप पूछ सकते हैं कि फ्री वाईफाई अराउंड मी या फिर नियर बाय मी। तो ऐसे में वो आपको लोकेशन और वाईफाई सारी चीजें वहां पर दिखा देगा। अगर आप किसी छोटे एरिया से, आपके एरिया में ये चीज नहीं काम करती है, तो यार उसका तो हालांकि कोई सोल्यूशन नहीं किया सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी एरिया में रहते हैं जहां काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज है, पब्लिक वाईफाई ये सब चीजें लगी होती है, तो बड़े आराम से आप गूगल असिस्टेंट की मदद से भी वहां पर वाईफाई को ब्राउज कर पाएंगे। तो ये थे कुछ आसान से तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप फ्री वाईफाई अपने किसी भी एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जरूरी नहीं है कि सारे जो भी तरीके हैं वो आपके एरिया में काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है जहां आप रहते हैं वहां लोग वाईफाई यूज नहीं करते, पब्लिक हॉटस्पॉट नहीं होते वहां पर, या फिर फ्री वाईफाई जैसी कोई भी सर्विस आपके एरिया में नहीं होती है, तो ऐसे में आपको थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, क्योंकि आपके एरिया में अगर वाईफाई नहीं होगा तो आप उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी अच्छे सिटी में रहते हैं जहां पर ये काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, काफी ज्यादा पब्लिक वाईफाई लगे हुए हैं, तो आप बड़े आराम से इन सब चीजों को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यार उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है वीडियो के रिगार्डिंग या फिर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपना सजेशंस दे सकते हैं कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। आपसे मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।